नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। पुलिस मुठभेड़ में 5 गोकस गिरफ्तार, 4 थानों सहित स्वास्थ्य टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। आज दिनांक 19/8/2021 समय करीब 3 बजे रात्रि में प्रभारी निरीक्षक अजगैन को मुखबिर की द्वारा सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने के जरिए दूरभाष प्रभारी स्वास्थ्य टीम व थाना औराज, थाना हसनगंज तथा थाना सोहरा मौके प्रभारी निरीक्षक को पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर आने हेतु बताया गया। संपूर्ण पुलिस बल की 2 टीमें बनाकर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान दरियापुर के थोड़े आगे भौली मोड़ के निकट जंगल का घेराव किया गया। मुखबिर द्वारा इशारे से मांस काट रहे लोगों की तरफ इंगित किया, जिन्हें पुलिस की दोनों पार्टियों द्वारा घेरकर आत्मसमर्पण कर देने हेतु चेतावनी दी गई, जिसके जवाब में दूसरी तरफ से जान से मारने की नीयत से पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें हेड कांस्टेबल खैरुल बसर व कांस्टेबल राधेश्याम घायल हो गए। पुलिस द्वारा आत्मसुरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में 3 बदमाश घायल हो गए, जिन सहित कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा कुल 6 बदमाश मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पकड़े गए बदमाशों से असलाह, औजार तथा अन्य सामान बरामद किए गए हैं। कड़ाई से की गई पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा 11 दिन पूर्व औराज क्षेत्र में तथा 16/8/2021 को थाना अजकैन क्षेत्र अंतर्गत गोकसी की घटनाओं का कारित किया जाना स्वीकार किया गया है। कल रात में ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग गौ तस्कर एक जंगल में गोवंशियों को उनका वध करके और उसको मांस बेचने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस सूचना पर इंस्पेक्टर अजगैन और अन्य 4 थाना प्रभारी, स्वाट प्रभारी इंस्पेक्टर सोहरामऊ, हसनगंज और औरास मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा मौके पर जब अभियुक्तों को ललकारा गया तो पुलिस मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 3 अभियुक्तों को गोली लगी है। जवाबी फायरिंग में जब पुलिस के 2 हमारे कर्मचारी, एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को गोली लगी है, सभी खतरे से बाहर हैं। इसमें 2 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही साथ जो वहां से मौके से 5 लोग भाग गए हैं उनका भी नाम पते हमें मालूम हो गए हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटना में जो भी लोग शामिल हैं, चाहे वो लखनऊ जनपद के हों, उन्नाव जनपद के हों या कहीं के भी हों, जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी हम पता लगा करके अंतिम व्यक्ति तक जो इस अपराध में शामिल हो उस तक पहुंचेंगे और उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। हम इसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करेंगे और जो भी संपत्ति इन्होंने इस अपराध से अर्जित किया होगा उसको भी जब्त करेंगे। हमारी पूरी पुलिस टीम जो इस पूरे टास्क में लगी थी, सभी को ये टास्किंग की गई है कि इनका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज निकाल करके एक एक व्यक्ति का पता लगाएं जो इस पूरे इकोनॉमिक ऑफेंस में शामिल है। ये एक जघन्य अपराध है और इसमें पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।